Hello student, how are you? I hope you are fine. Now, आज हम लोग बी की पढ़ाई पढ़ेंगे. पिछले वीडियो में हमने सी पढ़ा था ना, तो आज हम पढ़ेंगे डी. ठीक है, तो डी हम सीखेंगे कैसे लिखना है. जैसे ये हमारा है डी, डी फॉर क्या दिया हुआ है, डक. ठीक है, तो डी फॉर डक है, डी यू सी के. डक मीन्स क्या होता है, बत्तख. डक मीन्स क्या होता है, बत्तख. तो ये हम क्या करेंगे, इसको रीड एंड ट्रेस करना है, यानी पढ़ना है और इसी के डॉट पे हमको पेंसिल को घुमाना है. ठीक है, ट्रेस मीन्स क्या होता है, उसी पे घुमाना. तो ये हमारा जहां जहां पे डॉट दिया हुआ है ना, तो हम लोग क्या करेंगे कि इस पे ही हमें पेंसिल को आप लोग डॉट के ऊपर से आप लोग ट्रेस कीजिएगा. ठीक है, तो ये आप लोग प्रेस करते करते इतना अभ्यास हो जाएगा आप लोगों को कि आप लोग यहाँ पे इसको प्रैक्टिस कर लेना है. यहाँ पे आप सीख गए तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करना है. क्या करना है, जैसे ये डी लिखा हुआ है जिस लाइन पे है, वन टू थर्ड में है, वन टू थ्री. ठीक है, थर्ड लाइन पे हमारा उसको मोड़ लिया गया है. जैसे ये हमारा है वन टू थ्री, है ना, थ्री लाइन है ना. तो हमने यहाँ पे फोर्थ लाइन के कॉपी में हमको लिखना है, तो हमने फोर लाइन यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन हमको लिखना कितने पे है, थर्ड लाइन. ये देखिए स्टैंडिंग लाइन ही हमने दिया और इसको ले जा करके हमको ऐसे मिलाना है. ठीक है, ये देखिए ये ऐसे. ठीक है, तो ये इसको आप लोग को प्रैक्टिस करना है और इसी के वजह से इसके हम लोग क्या करेंगे, ये हुआ कैपिटल लेटर, यानी बड़ा लेटर जो हम लोग कैपिटल को, कैपिटल लेटर हुआ ये हमारा डी, और ये हुआ स्मॉल लेटर. ठीक है, तो ये स्मॉल लेटर कैसे लिखेंगे, इसके लिए भी हम लोग चार लाइन यहाँ पे स्क्रैच करेंगे, वन टू थ्री एंड फोर. ठीक है, तो ये थर्ड लाइन पे ही होगा, ये भी थर्ड लाइन पे ही होगा. तो क्या होगा, यहाँ पे है कि हम लोग थर्ड लाइन में सर्कल करेंगे और इसको ऊपर की ले जाएंगे स्टैंडिंग लाइन और नीचे की तरफ से खींच देंगे. ठीक है, ये देखिए यहाँ पे एक सर्कल किए थर्ड लाइन पे, मिडिल लाइन में, और यहाँ पे ले जाकर ऐसे हमने, ये रहा स्मॉल लेटर और ये रहा कैपिटल लेटर. तो इसको भी क्या करना है, हमने यहाँ पे ट्रेस किया था, यहाँ पे प्रैक्टिस करना है आप लोग को, पर डे भी प्रैक्टिस करना है. इसमें भी लिखना है और एक नोटबुक भी यूज कीजिएगा, उसमें भी लिखना है. ये भी डी है, ये हमारे स्मॉल लेटर का, इसमें भी आपको प्रैक्टिस करने हैं. ठीक है, तो इसको हमने डी सीख लिया. अब हमारा क्या है, और एक बुक है हमारा, देखिए जैसे ये है ए बी सी, इसमें हमको स्पेलिंग दिया हुआ है. ठीक है, तो ये हमने ए फॉर एप्पल पढ़ा था, ए फॉर एप्पल, एप्पल मीन्स सेव, बी फॉर बॉल, बॉल मीन्स गेंद, और यहाँ पे तीन तीन वर्ड दिए हुए हैं. ए फॉर एंट यहाँ भी है, ए फॉर एरो है, ठीक है, एरो मीन्स तीर होता है, बी फॉर बॉल है, बॉल बियर, बॉल बियर और बोट. ठीक है, तो यहाँ हमारा हो गया सी फॉर कैट, कार और कैट कब. ठीक है, ये हो गया. आज हमने डी पढ़ा है ना उस बुक में, तो आज हम लोग इसमें भी डी पढ़ेंगे. तो डी फॉर क्या होता है, डॉग, डी ओ जी डॉग. डॉग यानी क्या होता है, कुत्ता. डॉग में कुत्ता. ये हमारा डी से एक और वर्ड है डी आर यू एम, ड्रम. ड्रम मीन्स क्या होता है, ड्रम मीन्स एक बाजा होता है जिसको हम लोग बजाते हैं. डी फॉर डोर, डी ओ ओ आर यानी डबल ओ है, डी डबल ओ आर डोर. डोर मीन्स दरवाजा, सबके घर में दरवाजा होते हैं ना, तो डी फॉर डोर. तो इसको भी हम लोग को तीन वर्ड याद करने हैं. ठीक है, डी फॉर डॉग, डी ओ जी डॉग, डॉग यानी कुत्ता, डी आर यू एम ड्रम, ड्रम यानी ड्रम, डी डबल ओ आर डोर, डोर मीन्स दरवाजा. इसको हम लोग को डी फॉर डी से तीन वर्ड सीखने हैं. और ये जो हमने प्रीवियस में सीखा हुआ है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ये हमने सीखा था ना, ए फॉर एप्पल, एप्पल का स्पेलिंग ए डबल पी एल ई एप्पल, एप्पल मीन सेव, ए एन टी एंड, एंड मीन चींटी, ए डबल ओ, ए डबल ए आर, सॉरी ए डबल आर ओ डब्ल्यू एरो, एरो मीन तीर, बी ए डबल एल बॉल, बॉल यानी गेंद, बी ई ए आर टी एल यानी भालू, बी ओ ए टी बोट, बोट मीन्स नाव. ठीक है, सी ए टी कैट, कैट यानी बिल्ली, सी ए आर कार, सी यू बी कब, ये हमने पढ़ा था. और आज हमने सीखना था डी ओ जी डॉग,
और डी आर यू एम ड्रम, डी डबल ओ आर डोर, ठीक है, डी आर डी डबल ओ आर डोर, डोर मीन्स दरवाजा होता है। तो इसको आप लोगों को क्या करना है, जैसे ये ए से लेकर के, ए से थ्री वर्ड, बी से थ्री वर्ड, सी से थ्री वर्ड और डी से थ्री वर्ड, तो इससे हमने क्या होगा, डी जब भी हम लोग का स्कूल ओपन होगा तो हम लोग ए से, जब मान लीजिए हम लोग को ए से ए फॉर लिखना है, ए फॉर थ्री वर्ड, तो यहाँ पे ए फॉर एप्पल, एप्पल हो गया, एप्पल एंड और क्या है एरो, ए डबल आर ओ डब्ल्यू एरो, ठीक है। तो ये हमारा थ्री वर्ड हो गया। बी फॉर क्या हुआ, बी फॉर है बी, बी ए डबल एल बॉल, बी ए जी बैट, बी ओ एफ बॉल, ठीक है। ये तीन वर्ड इसमें दिए हुए हैं, बट हमको जरूरी नहीं है कि ऐसे ही पढ़ना, आप लोग छोटा छोटा वर्ड भी याद कर सकते हो, ठीक है। ऐसा बात नहीं है कि हमने ये बुक में जो मिला दिया हुआ है उसी से पढ़ना है, उसी को याद करना है, आप लोग छोटा छोटा वर्ड भी याद कर सकते हो, जैसे थ्री थ्री वर्ड्स हो गए ना, तो थ्री थ्री वर्ड्स का भी आप लोग, छोटे छोटे बच्चे हो तो आप लोग से जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। और डी फॉर डॉग ये हमने सीखा था आज, तो डी फॉर डॉग, डी से डॉग, डी डी ओ डबल एल डॉल भी आप लोग याद कर सकते हो, डी यू सी के डक भी याद कर सकते हो, यानी जरूरी नहीं है कि बुक में हमारा जो दिया हुआ है वही हम लोग पढ़े, बट थ्री वर्ड डी फॉर स्टार्ट करके याद कर लीजिएगा, और ठीक है इसको भी पढ़िएगा और पिछला जरूर आप लोग रिविजन करते हुए चलिएगा,